स्टूडेंट्स, आज हम आपका साइंस का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको हमें जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से या लेंस की सहायता से देखना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में, हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव फोर क्लासेस। फर्स्ट इज नोन एज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गे। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दीज फोर आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। एक इसमें जो है वायरसेस क्या होते हैं? जैसे आजकल आपने सुना है कि आपका स्कूल भी नहीं लग रहा है, कोरोना वायरस के कारण आप सभी जो है लॉकडाउन हैं। ये भी एक जो है वायरस के कारण ही ये डिजीज जो है चली हुई है, इसीलिए आपको जो है ये वायरस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वायरसेस प्रोड्यूस ओनली Inside the host organisms like bacteria, plants and animal cell।
कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो कि वायरस के कारण फैलती हैं, वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं? वायरस से होने वाली डिजीजेज आपकी हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये जो है आपकी वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं। अब इसके बाद कुछ डिजीजेज हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, वो हैं, ये तो वायरस के कारण, ये दूसरी है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कास्ट डिजीजेस, आर डाइसेंट्री एंड मलेरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस कौन सी हैं? बैक्टीरिया कास्ट डिजीजेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा एंड टीबी एक्स्ट्रा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चार टाइप के बताए थे कि वायरस द्वारा होने वाले डिजीजेस ये हैं, प्रोटोजोआ कास्ट ये हैं, बैक्टीरिया कास्ट डिजीजेस ये हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए, जैसे कि हमारा चैप्टर है फ्रेंड एंड फो, कि कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। तो कौन कौन से, कैसे जो है आपको बताती हूँ मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस रूप में जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जो है डिजीजेज में काम आते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे घर में, जो हमारी किचन होती है उसमें जो है हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले हेल्पफुल हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट हेल्प अस, फर्स्ट है इन कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे हमारा चमड़ा उद्योग होता है, इसमें जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और सेकंड, जैसे मेडिसिन्स, दवाइयां बनाने में भी हमारे लिए ये हेल्पफुल हैं। और अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको जो है डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा शुद्ध रहता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो हमारे नोड्यूल्स होते हैं, प्लांट्स की जड़ें होती हैं, दालों वाले जो पौधे होते हैं, पल्सेस जो होती हैं, उनकी जड़ों में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। उसमें जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेकर उनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन को भेजने का काम करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड फिक्स देम इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इस प्रकार से जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। आज मैंने आपको इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स बता दिए और इसके ये हमारे किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। कल हम बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध होते हैं।